देखिए, हम लोगों ने वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण पढ़ी है उसे बोलचाल की भाषा में रामायण कहते हैं, जबकि वाल्मीकि जी स्वयं उसे शोक रामायण कहते हैं, क्योंकि उसमें विराह है, उसमें दुख है। इसीलिए वाल्मीकि जी ने एक और रामायण लिखी जिसका नाम है आनंद रामायण। ये रामायण मेरे हाथ लगी, मैंने इसे पढ़ा और बहुत कमाल की कहानियां हैं, कमाल के किस्से हैं। ये एक ऐसी रामायण है जिसमें राम जी के दिनचर्या के बारे में भी लिखा है कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले किसका स्मरण करते हैं, फिर सीता जी का मुख देखते हैं, फिर सीता जी उन्हें हाथ पकड़कर उठाती हैं, और पूरे दिन में वो कैसे आगे काम करते हैं कि अगर वो नहाते हैं तो कभी घर पर नहाते हैं, कभी वो सरयू में जाकर नहाते हैं। सारी चीजें डिटेल में लिखी है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में, प्रॉपर डिटेल में। तो जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे रावण के घमंड की एक कहानी मिली सीता स्वयंवर में, कि किस कितना उसे घमंड था और किस तरीके से उसका घमंड टूटा तो जग हसाई हुई। तो मैंने वो पेज अपने ई बुक रीडर पर स्पेशली निकाल के रखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। रावण जो है वो राजा जनक से कहता है कि हे राजन, जिस रावण ने समस्त देवताओं को जीत लिया है, जिसने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है, जिसने अपनी दो भुजाओं से शिव जी के निवास स्थान कैलाश को उठा लिया था, अगर तुम उसका बल देखना ही चाहते हो तो देख लो। आगे कहता है रावण कि इस तिनके के समान हल्के धनुष को उठाने में क्या वीरता देखोगे। इतना कहने के बाद रावण धनुष के पास जाता है, पहले अपने बाएं हाथ से उठाने की कोशिश करता है, नहीं उठता। फिर दाएं हाथ से उठाने की कोशिश करता है, वो भी नहीं उठता। फिर दोनों हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करता है, तब भी नहीं उठता। तब आगे बताया गया है कि रावण अपने 200 भुजाओं से एक साथ धनुष को उठाने की कोशिश करता है, तब जाकर धनुष एक तरफ से हल्का सा ऊंचा होता है। रावण उस जगह हाथ लगाकर उसे उठाने की जैसे ही कोशिश करता है और जमीन पर पड़ी प्रत्यंचा को उठाकर चढ़ाने की कोशिश करता है, धनुष घूमकर रावण की छाती पर गिर जाता है और रावण ऊपर मुख किए हुए पृथ्वी पर धड़ाम से गिर जाता है। उसका मुकुट दूर गिर जाता है और जो सभा में लोग होते हैं वो खिल खिलाकर हंस पड़ते हैं। रावण के पसीने निकल जाते हैं, आंखें घूमने लगती है, यहां तक रावण के मुख से लार टपकने लग जाती है, लार गिरने लग जाती है। तब राजा जनक परेशान होते हैं कि क्या धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को हिला सके, तोड़ सके। तब जो गुरु विश्वामित्र होते हैं वो राघव से, यानी कि राम जी से कहते हैं कि हे राघव, खड़े हो जाओ और इस रावण के प्राण बचाओ, तुम्हारे देखते ही अगर रावण मर जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। तब राम जी उठते हैं, अपने आभूषणों को उतारते हैं, माला को उतारते हैं, अपनी कमर को कसते हैं, उसके बाद अपने मुकुट को अच्छी तरह से बांधते हैं, सभा के बीच में आते हैं और धनुष को, जो शिव धनुष है जिसे पिनाक बताया जाता है जिसका नाम, उसे उठाते हैं और रावण के प्राणों को बचाकर सीता को स्वयंवर में जीतते हैं। खैर ये कहानी बहुत लंबी है, मैंने तो आपको लास्ट में थोड़ा जल्दी में बता दिया, लेकिन रावण के घमंड की जो बात मैंने आपको बताई कि कैसे 20 के 20 हाथ लगाने पर हल्का सा उठता है वो शिव धनुष, वो आपको पढ़ने को मिलेगा आनंद रामायण में। अगर आप और कोई कहानी जानना चाहें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अदरवाइज मैं अगर कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग और ऐसी दिलचस्प कहानी पढ़ता हूं जो मुझे लगता है कि आप तक लेकर आनी चाहिए, तो वो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि जब भी कहानी आए आपको पता लग जाए। तो अभी इतना कीजिए, बाकी मैं आगे कंटिन्यू करता हूं पढ़ना।